अगर आपको गणेश चतुर्थी की या ऐसे मतलब जो स्पेशल दिन रहता है, अगर आपको उस समय पे गणपति बापा का दर्शन चाहिए होगा तो आपको सुबह 5:30-6 बजे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं लक्ष्मी रोड से आया, लक्ष्मी रोड से होते हुए हम ABC चौक से वहां तक पहुंच चुके हैं। कैसे सब आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और अभी जो टाइम हुआ है वो टाइम हुआ है 7:17 और हम आज सुबह 6:30 बजे ही मोटो व्लॉगिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ। कोई बात नहीं, हम आपसे मिलते हैं राइड पे। तो आप सोच रहे हो कि अचानक से क्या हो गए, हम सीधा मोटो व्लॉगिंग से घर में क्यों आए। तो सीन ऐसा हुआ कि जो अभी 3 या 4 सेकंड की फुटेज सुनी होगी तो आपको मेरा जो वॉइस है मतलब मोटो व्लॉगिंग वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। हमारा जो एक्शन कैमरा है, ये इस एक्शन कैमरा में जो मैंने माइक लगाया था उससे आवाज कैप्चर नहीं हुई। जो आवाज कैप्चर हुआ है वो हुआ है जो इसका इंटरनल माइक है उससे ऑडियो कैप्चर हुआ है। इसलिए मैंने आपसे बहुत सारे बातें की थी, बहुत कुछ चीजें आपको बताई थी आगे के प्लान करे गाड़ी, लेकिन क्या करे अभी आवाज कैप्चर नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज मुझे फिर से पता चला क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज सुबह 6:30 बजे हम दगुड़ेश्वर में नहीं जाने वाले थे, हम जाने वाले थे तामिनी घाट एक्सप्लोर करने के लिए। जो हमारा ट्रैवल होता आज के दिन वो करीब 250 से 300 किलोमीटर के आसपास हो जाता, लेकिन अगर मान लीजिए हम तामिनी घाट के लिए जाते और हमें पूरा मोटो ब्लॉगिंग करता, अच्छे से एक्सप्लोर करता और घर आके एडिटिंग के लिए बैठता, तो मुझे पता चलता कि यार मतलब आवाज़ है वो ही कैप्चर नहीं हुआ, मतलब उस समय मुझे ज़्यादा दुख हुआ रहता। वैसे तो सुबह 6:30 बजे भी मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था कि हम तामिनी घाट नहीं जा सके, लेकिन दोपहर आते वक्त मुझे पता चला कि कोई ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज एक बार फिर से वो साबित हो चुका है। कोई बात नहीं, प्लान बनते हैं बिगड़ते ऐसा तो चलता रहता है, क्योंकि मैं इसी के बारे में मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपसे बात कर रहा था कि बहुत सारे संडे को मतलब प्लान बन रहे थे और इन मोमेंट पे लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो रहे थे इसकी वजह से, लेकिन कोई ना, चलो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अभी हम सीधा कंटिन्यू करते हैं। जब हम दगुड़ेश्वर मंदिर में पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ, हम सीधा वहां पे जाते हैं। तो फाइनली हम दगुड़ेश्वर मंदिर में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और दर्शन के लिए भी लंबी रांग है, लेकिन आज इतना चाहे उतना उन्होंने डेकोरेट नहीं किया जितना सूर्य फूल के दिन किया था। तो रुकावट के लिए खेच जाता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बैक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पे जब मैंने सूर्य फूल का जिक्र किया था उसका मतलब था जब सूर्य फूल मतलब सनफ्लावर वो दिन मनाया गया था, तब जो है दगुड़ेश्वर को जो पूरी तरीके से जो सनफ्लावर है उसको डेकोरेट किया गया था। तो कैसे डेकोरेट किया गया था, अभी हम देखते हैं कि दर्शन के लिए लाइन कहाँ से, हमें पता नहीं कि मैं अंदर शूट कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि अंदर शूट करने के लिए मना ही है। जैसे हमें थोड़ा सा फोटो मिलता है मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो अभी जो लाइन है वो बहुत ही लंबी, देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि तांबड़े जोगेश्वरी जी कोना का जो ग्राम दैवत है उनका मंदिर है, और दगुड़ेश्वर से लेके तांबड़े जोगेश्वरी तक दूर तक लाइन ही लाइन है। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है। बस दिक्कत इतनी है कि ये जो इतनी लंबी लाइन है इसमें हम रुके या नहीं, क्योंकि अगर हम इस लाइन में लगे तो हमें दर्शन के लिए 10-11 बजेंगे और अभी 8 बज चुके और इतना टाइम है नहीं। आप मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो लाइन है कितनी लंबी। तो अभी आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखा होगा कि ये जो लाइन है अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं करीब 2 किलोमीटर से चलते आ रहा हूँ। वो जो लाइन है वो दगुड़ेश्वर मतलब अभी तक मैं लक्ष्मी रोड से आया, लक्ष्मी रोड से होते हुए हम ABC चौक से वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ तक लंबी लाइन है और वो तो पीछे पीछे बढ़ती ही जा रही है। तो इसलिए हम जो है
दर्शन का प्लान जो है वो कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 11 या 12 तो आराम से बच जाएंगे। लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मिले थे, वो जैसे अंदर दर्शन के लिए जाएंगे, मेरे पास कुछ वीडियोज या फोटोज आ जाएंगी, वो मैं हमारे इस ब्लॉग में डाल दूंगा। तो अभी हम जो खड़े हैं वो एबीसी चौक पे खड़े, और यहाँ से जो दर्शन के लिए वो लाइन है, मतलब यहाँ से हमें लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही लंबी लाइन है, इसलिए हमने आज का जो दर्शन का प्लान है वो कैंसिल कर दिया है। अगर आपको गणेश चतुर्थी के या ऐसे मतलब जो स्पेशल दिन रहता है, अगर आपको उस समय पे गणपति बापा का दर्शन चाहिए होगा, तो आपको सुबह 5:30-6 बजे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं 8 बजे ही आ सकता था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमारा दर्शन नहीं हो सका। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।